कभी भी इस टॉपिक को पूछ सकता हूँ कहीं से भी, जो चीज पढ़ाई जा रही है ना वो चीज पूछी भी जा सकती है। इसलिए इस चीज को भी पहले से ही क्लियर करके चलें, जो चीज पढ़ाई जा रही है वो कभी भी पूछी भी जा सकती है, तो इसलिए घर पढ़ते भी रहना है, इस बात को भी थोड़ा सा याद रखें। समर सेविल लगाने में भी क्या नाम है, जनरेटर चलाएं, लाइट ना आ रही है, लाइट ना आ रही, जब इसका जनरेटर चल रहा है लाइट ना आ रही है यार, देखिए पीछे तो ना चलो। सबसे पहले हेडिंग डालनी है भूकंप, भारतीय भूकंप, भारत को 5 भूकंप क्षेत्र में बांटा गया। भारत को 5 भूकंप क्षेत्र में बांटा गया है। क्षेत्र में बांटा गया, लिख लिया, लिख लिया सभी ने? सबसे पहले लिखिए इसमें क्या लिखना है, भूकंप जोन फर्स्ट या भूकंप जोन प्रथम। भूकंप जोन प्रथम लिख लिया। देखो एक मिनट, इसका विस्तार प्रमुख रूप से लिखिए, इसका विस्तार प्रमुख रूप से दक्षिण व पूर्वी राजस्थान। देखो मैप के साथ साथ भी समझते चलिए, दक्षिण व पूर्वी राजस्थान, देखो ये वाला हिस्सा देखते भी चलते रहना, मालूम रहेगा कि भाई कौन सा हिस्सा है जो भूकंप जोन फर्स्ट में आ रहा है, दक्षिण व पूर्वी राजस्थान ये वाला हिस्सा, समझ रहे हैं? दक्षिण व पूर्वी राजस्थान, फिर से देख लो एक बार, दक्षिण व पूर्वी राजस्थान ये वाला हिस्सा इसके अंतर्गत आता है भूकंप जोन प्रथम के। इसके अलावा कोमा लगा के लिखिए आगे, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश ये वाला हिस्सा। पश्चिमी मध्य प्रदेश व दक्षिणी छत्तीसगढ़, ध्यान रखना है दक्षिणी छत्तीसगढ़ ये वाला हिस्सा, एक बार और फिर से देख लें, ये वाला हिस्सा दक्षिणी छत्तीसगढ़, ये वाला दंतेवाड़ा जगदलपुर छत्तीसगढ़ में, ठीक है? और आपका ये और है पास पारस गांव, नारायणपुर, इस तरीके का दक्षिणी छत्तीसगढ़ भी सीमा था। कोमा लगा के आगे लिखिए पश्चिमी उड़ीसा, पश्चिमी उड़ीसा, पश्चिमी उड़ीसा की मतलब है ये वाला जो उड़ीसा है इसका पश्चिमी, वही दक्षिण छत्तीसगढ़ से, दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ हिस्सा पश्चिमी उड़ीसा। देखो इसे याद रखने का कितना बेहतर तरीका है, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उड़ीसा का पश्चिमी हिस्सा ये वाला सेक्शन, ठीक है? मैं मैप खराब ना हो इसलिए मैं इस पर पेन मार्कर नहीं चला रहा, वरना इस पर गोल गोल करके भी बता देता। तो ध्यान रखना दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उड़ीसा, ठीक? उससे पहले मैंने क्या बताया, एक बार फिर से ध्यान दो, दक्षिण पूर्वी राजस्थान ये वाला, ठीक? उसके बाद बताया मैंने पश्चिमी मध्य प्रदेश भूकंप जोन फर्स्ट में जो आते हैं, उसके बाद बताया दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उड़ीसा, उसके बाद आगे नेक्स्ट क्या लिखना है इसमें, आंध्र प्रदेश का अधिकांश पश्चिमी भाग, ये वाला आंध्र प्रदेश जो है आपका ये वाला पश्चिमी भाग,
ये वाला आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, समझ रहे हैं? देखो ये वाला आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, ठीक। उसके बाद तटवर्ती भाग कर्नाटक का पूर्वी भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग। देखो ये जो कर्नाटक है ना, इसका ये वाला भाग पूर्वी भाग, वही मान के चलो आंध्र प्रदेश के पश्चिमी भाग से लगा हुआ कर्नाटक, ऐसा कह सकते हैं। और भी बेहतर तरीके से याद रहेगा अगर हम मैप पे बिल्कुल एकदम क्लियर तरीके से देखें तो हम इतना याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग और कर्नाटक का पूर्वी भाग। देखो इस तरीके से जॉइंट में भी याद रख सकते हैं, क्योंकि देखो सुनो, जिस वो अगर भूकंप जोन फर्स्ट ये है तो वो जहां फर्स्ट जोन जो भी होंगे वो कहीं ना कहीं टच होंगे, जहां भी होंगे। तो ये एक तरीका है याद रखने का, आंध्र प्रदेश का तो पश्चिमी भाग था ये वाला, तो कर्नाटक का ये पूर्वी भाग है, कर्नाटक का पूर्वी भाग, ठीक। लिख लिया, भूकंप जोन प्रथम या भूकंप जोन फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं। भूकंप जोन फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, लिख लिया भाई। लास्ट ये और लिख लेनी है इसमें एक लाइन, यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से शून्य माना जाता, मतलब कि यहां पर किसी भी प्रकार का कोई भूकंप नहीं आता, ये ऐसा याद रखेंगे, यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से शून्य माना जाता है। यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से शून्य माना जाता है, लिख लिया सभी ने भाई? इसका मतलब समझ गए, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा यहां से एग्जाम में, क्या क्वेश्चन बनेगा यहां से एग्जाम में, सिर्फ इतना क्वेश्चन बनेगा कि भूकंप की दृष्टि से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे शून्य माना जाता है। भूकंप जोन प्रथम, भूकंप जोन प्रथम के जो मैंने क्षेत्र बताए हैं, देखो एक बार मोस्टली एक बार फिर से रिकैप कर दूं, जो माइंड में मैप बैठ जाना चाहिए अपने आप क्लियर हो जाएगा, रटने से कभी काम नहीं चलेगा, ये बात क्लियर रखनी चाहिए। दक्षिण पूर्वी राजस्थान ये वाला हिस्सा, उसके बाद मध्य प्रदेश पश्चिमी, ठीक, उसके बाद दक्षिणी छत्तीसगढ़ और पश्चिमी उड़ीसा, ऐसे ही है, उसके बाद आंध्र प्रदेश का पश्चिमी भाग, कर्नाटक का पूर्वी भाग, ठीक। ये जो जितने भी क्षेत्र हैं भूकंप जोन फर्स्ट के अंतर्गत आते हैं, और यह क्षेत्र भूकंप की दृष्टि से शून्य माना जाता है, इसका मतलब यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भूकंप नहीं आता, कहीं ना कहीं पर क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जाएगा, और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भूकंप नहीं आता, इसलिए रिक्टर स्केल के बारे में तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इतना याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत का कौन सा जोन, भूकंप का कौन सा जोन शून्य भूकंप क्षेत्र, शून्य भूकंप की दृष्टि में आता है, या शून्य भूकंप की दृष्टि के अंतर्गत आता है, भूकंप जोन प्रथम। क्लियर, क्लियर हुआ भी इतना? उसके बाद नेक्स्ट।